सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट किचन। कैसे हैं आप लोग? तो आज कुछ नया, आज मैं अवन के अंदर बनाने जाऊंगी और देखिए उसके लिए क्या क्या चाहिए। एग्स बनाने जा रही हूँ। अब उसके लिए मैंने क्या लिया है, चार अंडे मैंने इस बोल में तोड़ लिए, थोड़े से ये चार स्लाइसेस मैंने यहाँ रख लिए हैं और अवन को मैंने 180 डिग्री के लिए प्री हीट होना रख दिया है। तो ये लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सिंपल है, कुछ खास नहीं है, नमक, मिर्च, धनिया, ये चीजें तो होती हैं। टमाटर, बेल पेपर नहीं है, बेल पेपर नहीं है, शिमला मिर्च डाल दो, शिमला मिर्च नहीं है तो स्किप कर दो। प्याज हो गया, धनिया और हरी मिर्च हो गई, दो हरी मिर्च ली है और ये थोड़ी सी सॉस चीज है। अगर आप डालना चाहते हो डालें, पनीर डालना चाहते हैं पनीर डालें, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। अगर आपको बॉइल्ड चिकन पड़ा तो आप वो भी कट करके डाल सकते हैं और ये थोड़ा सा दूध। तो अब सबसे पहले क्या करूंगी मैं, ये एग्स को मैं अच्छे से विस्क कर लूंगी, अच्छे से हमको इनको बीट करना है इस तरह से, और साथ के साथ मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी डाल दूंगी। दूध डालने से क्या होता है, ब्रेड जो हम बनाएंगे इसके अंदर डाल के तो वो और ज्यादा सॉफ्ट बनती है। हमको बस इतना नहीं इसको विस्क करना कि हमको इसकी फोम बनानी हो, बस अच्छे से ये बीट हो जाए, बस सारा एग योक वगैरह सब दूध के अंदर मिक्स हो जाए। तो ये देखिए ये मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ये बेल पेपर्स डाल दूंगी, टमाटर, आपको जो पसंद है इसके अंदर आप उसके अंदर वो सब डाल सकते हैं, और ये हो गए प्याज। मन तो मेरा था कि मैं स्प्रिंग अनियंस डालूं बट घर में थे नहीं तो मैंने नहीं डाले। ये हरी मिर्च और धनिया वो पत्ती और ये सॉसेजेस हैं, सारी डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर ये धनिया पाउडर, मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और ये हो गया नमक। ठीक है, अब इसको मैं अच्छे से एक बारी मिक्स कर लूंगी कि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर हम इसके अंदर ब्रेड डालेंगे। अभी तो मैं अवन में बता रही हूँ, फिर आपको मैं एक कुछ दिनों के बाद आपको मैं वो माइक्रोवेव में भी बताऊंगी कि वो बिल्कुल सिंपल है और ये भी बहुत सिंपल है, बच्चे भी बना सकते हैं। इन द सेंस कि जो स्कूल गोइंग है या जो बच्चे जिम कर रहे हैं, बॉयज जो है उनको पैन में या गैस के ऊपर करने में बहुत मुश्किल लगती है कि कौन कर चलाए, तो उनके लिए ये ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर मैं ये ब्रेड को ज्यादा छोटे पीसेस में नहीं करूंगी, बस इतने छोटे पीसेस, बस इस तरह से। वो हम अभी देख लेंगे कि हमको इसमें कितनी चाहिए, फिर उसी हिसाब से मैं और ऐड करूंगी, क्योंकि चार एग्स हैं तो उस हिसाब से ही इसको उसके अंदर डालूंगी। तो ये देखिए 3 पीस ही इनफ है इसमें। अगर आपको ज्यादा बनाना है तो आप उसमें अंडे की क्वांटिटी और बाकी सब चीजों की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इसको ग्रीस कर लिया है पहले से, तो अब मैं इसके अंदर इसको डालूंगी इस तरह से। तो ये एक तरह से ब्रेड और अंडा दोनों चीजें हो जाएंगी, तो मुश्किल नहीं होगा बच्चों को बनाना भी और खाना भी। बस जैसे हम मफिन्स बनाते हैं, कप केक्स बनाते हैं, ये जो हमारा कप एग एंड ब्रेड हो गया हमारा, ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छा बनता है, ये टेस्टी भी बनता है इनफैक्ट इस तरह से। कभी कभी थोड़ा चेंज भी अच्छा लगता है बच्चों को कि भी चलो हर वक्त वही ब्रेड ऑमलेट नहीं, थोड़ा वेरिएशन हो जाती है तो अच्छा लगता है। बच्चे क्या, हर किसी को अच्छा लगता है थोड़ा चेंज, और इससे पता भी चलता है कि भी मम्मा ने या वाइफ ने या बहन ने कितने प्यार से बनाया है, कि थोड़ा चेंज हो जाता है तो हर किसी को अच्छा लगता है। बट मैं तो ये कहूंगी आप जो भी खाना बनाएं थोड़ा प्यार से बनाएं, तो उसमें स्वाद जो है अपने आप ही आएगा। तो अब इस तरह से मैं इसको इसमें रख के तो इसको अब मैं अवन में रखूंगी। तो ये देखिए ये प्री हीट हो रहा है, तो अब मैं इसी में इसको इस तरह से रख दूंगी और इसके टाइमर को मैं 10-12 मिनट के लिए मैंने ये टाइमर लगा दिया है, और बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे हम स्टिक डाल के
कि पका के नहीं, वैसे 10 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो 10 मिनट तक हम इसको फिर खोल के चेक करते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखिए अभी ये थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, तो अब मैं क्या करूंगी 5 मिनट के लिए इसको और कर दूंगी, और 5 मिनट के बाद हम इसको इन बिटवीन, 5 मिनट है ना हमने लगा दिया, तो 2 मिनट के बाद हम इसको फिर से चेक करेंगे, अगर पक जाएगा सब कुक हो गया अच्छे से तो हम इसको निकाल लेंगे। जरूरी नहीं है कि 5 मिनट का लगाया तो 5 मिनट ही रखना है इसको, बस मेरे को लगता है और 2 मिनट तक ये बन जाएगा, 10 से 12 मिनट में ये बन जाते हैं, बस 2 मिनट और उसके बाद हम रीचेक करेंगे, नहीं तो फिर 1-2 मिनट के लिए और लगा देंगे। तो देखिए इसको अब हो गए हैं 12-13 मिनट, और अब ये देखिए ये बिल्कुल बन गया है, तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो चलिए अब इसको हम बाहर निकालते हैं, ध्यान से निकालिएगा, और अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर चीज भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। अगर डाइट कॉन्शियस हैं तो चीज रहने दीजिएगा, और अगर खाते हैं तो बहुत बढ़िया, चीज के साथ तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये, बस इसी तरह से मैं सारे डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये सारे मैंने निकाल लिए, कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए पूरे कपकेक जैसे, मफिन्स जैसे होते हैं उस तरह से। आप इसको चाहिए हरी चटनी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ, या टमाटर की चटनी, जो भी आप पसंद करते हैं अब उसके साथ इसको सर्व कीजिए। बच्चे डेफिनेटली पसंद करेंगे, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी पसंद करेंगे। थोड़ा चेंज अच्छा लगता है, थोड़ी वेरिएशन अच्छी लगती है। प्लीज इसे ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय।